लो मेरे भाई, आपने प्रीमियम पे देख लिया। इस तरह की रील्स वीडियो ना इंस्टाग्राम पे अभी के टाइम में मेरे भाई बहुत ही ज्यादा ट्रेंड करें। तो मेरे भाई लोग इस तरह की रील्स वीडियो में कैसे बनाना, कैसे एडिट करना, अपना भी फोटो यूज कर सकते हैं। तो मेरे लोग इस वीडियो में तुम्हारा भाई आपको बताने वाला कैसे इस वीडियो को एडिट करना है। तो मेरे भाई वीडियो को एडिट करने के लिए तो एंड तक तो वीडियो को देखना पड़ेगा। एंड तक नहीं देखा तो मेरे भाई लोग आपको वीडियो यार परफेक्ट तरीके से आपको समझ में नहीं आएगी, तो एडिटिंग भी नहीं हो पाएगी। फिर बोलोगे भाई मेरे पे एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रही वीडियो में, ये नहीं फेंक दिया, तो देख लो मेरे भाई एंड तक वीडियो देखना। चलो मेरे भाई वीडियो करते हैं बनाने स्टार्ट। पहले तो आपको मेरे भाई क्या करना, आपको एक पिक्सेल ऐप की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको प्ले स्टोर पे या मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना, उसको ओपन करना। उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट या डिफॉल्ट जो भी लिखा हो उसको आपको पहले तो इसको डिलीट कर देना। ओके, डिलीट करने के बाद आपको ऊपर साइड आपको थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो उस पर क्लिक करके आपको इमेज साइज वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना। इस पर आपको टैप करने के बाद यहाँ पे आपको इस वाली इमेज पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको 2000 कर देना। 2000 करने के बाद मेरे भाई जो कि आपके मतलब पिक्सल में इंटरफेस दिख रहा, पहले तो मैं उस साइट का कलर कर ले रहा हूँ ताकि आपको देखने में भी आसानी हो। तो देख सकते हो ऐसा आपको पिक्सल लैब में कलर देखने को मिलेगा, बट ये पिक्सल लैब मेरा कुछ और हटके है कि ताकि मेरे पे फंट ऐड नहीं हो रहे थे इसलिए मैंने ये पिक्सल लैब डाउनलोड किया। आप अगर में फंट ऐड नहीं हो रहे तो मेरे से भाई बोल देना कि मेरे पे फंट ऐड नहीं हो रहे, प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट वाले आइकन पे टैप करना। टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट को यहाँ पे लाना, इस पर आपको दो बार टैप करना और इसको आपको डिलीट करना है, न्यू टेक्स्ट को हटाना। यहाँ पे अपनी सारी जो भी लिखना चाहते मतलब वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, आपने लिखना है तो लिख सकते हो। ओके, जैसे कि मैं ये मैंने यहाँ पे एक लाइन कॉपी कर रखी उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इन्हें देख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पेस्ट कर दी। ओके, पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वाले आइकन पे आना। इस पे आने के बाद आपको देखना मेरे भाई आपको आगे साइड जाना, आपको फंड का आइकन भी देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना और यहाँ पे आपको माई फंड पे टैप करना। और ये फंड है ना जो कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा या टेलीग्राम पे देख दूंगा, वहाँ पे आपको देख लेना। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही है, वहीं से टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे और वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ये फंड मिल सकता है आपको। यहाँ पे आपको इसको ऐड करना, ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे इसका शायरी का कलर है जो कि आपको मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ, ये देख सकते हो इसको मैंने कलर ब्लैक कर दिया। अब इस पे मेरे को बैकग्राउंड का मतलब थोड़ा सा वो लगाना है जो वाइट वाइट होता है, बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको इनेबल कर देना और इस पे आपको वाइट कलर चूज कर लेना। अब यहाँ पे देख सकते हो टॉप राइट मतलब जो भी आपको मतलब लेंथ थोड़ा बहुत बढ़ानी थी, जैसे मैं टॉप ये बढ़ा दे रहा हूँ 1%, ठीक है, राइट लेफ्ट एंड जो भी आपको बढ़ाना है उतना आपको बढ़ा लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे इसको रख देना, रखने के बाद आपको क्या करना, इस पे आपको कॉपी वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, उस पे आपको क्लिक करना। कॉपी करने के बाद ये एक लेंथ ये हो जाएगी, आपको इस पे टैप करना दोबारा और इस वाली घटा देना। अब दूसरी हमें मतलब लेंथ लिख लेना है, दूसरी शायरी की लेंथ, ठीक है। अब जैसे कि मैं पहले इस पे हिंदी पे कर ले रहा हूँ, अब मेरे को एक तूफान लेकर मेरे को इतना लिखना था, बस ये लिख दिया और ये थोड़ा डॉट डॉट लगा दिया। अब मेरे भाई एक को मैंने यहाँ पे इधर रख दिया, इसको देख सकते हो इसको मैंने इधर रख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना, नीचे वाली या तो ऊपर वाली किसी भी कॉपी कर लो एक बार और यहाँ पे देखो इस पे डबल टैप कर दो और यहाँ पे आपको इस पे इस वाले लिखा को हटा दो लिखे वाले को और यहाँ पे आपको स्टिकर वगैरह 2-3 यूज कर लेना। ओके, जैसे कि ये स्टिकर है, आपको जितना मतलब यूज करना उतना कर लेना और यहाँ पे फंड वाले आइकन पे जाके माई फंड पे टैप करना और एक ISU फंड आपको डाउनलोड कर लेना जो कि मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, इमोजी फंड जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद अपना नेम वगैरह यहाँ पे जहाँ पे भी लिखना चाहो वो लिख लेना। लिखने के बाद मेरे भाई क्या करना, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, इस पे क्लिक करने के बाद आपको ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे टैप करके इसको हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सेव इज इमेज वाले ऑप्शन पे टैप करना मेरे भाई। इस पे टैप करने के बाद आपको इस डॉट पे एक बार क्लिक कर देना। इस पे जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे आपको अल्ट्रा देखने मिलेगा, उस पे आपको क्लिक कर देना। अल्ट्रा पे मतलब ये होता हमारा कि जो वीडियो मतलब इसका है ना जो क्वालिटी है ना वो नहीं गिरता एकदम यार, क्वालिटी अच्छी आती है, तो आपको शिफ्ट टू गैलरी पे टैप कर देना। टैप करने मतलब मेरे भाई क्या करना, आपको अलाइट मोशन ओपन करना। अलाइट मोशन देखो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना एकदम यार, न्यू वर्जन है। और यहाँ पे आपको देखो अलाइट मोशन पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा, आपको क्या करना प्लस वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना एंड प्लस पे टैप करने के बाद बैकग्राउंड से हमें कुछ लेना देना नहीं, बैकग्राउंड जो भी आपको पसंद हो रख दो और यहाँ से बस आपको 9x16 क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे भाई प्लस का ही करना आपको देखने मिलेगा, ये देख सकते हो प्लस पे टैप करना और यहाँ पे आपको मीडिया वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, उस पर आपको क्या करना एक यहाँ पे आपको अपना फोटो ले लेना, ठीक है। कोई से भी आप फोटो एक सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो एंड कोई से भी फोटो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी मैंने बहुत सारे डाउनलोड कर लिए, जैसे कि मेरे पास ये फोटो है, इस पर अपना भी फोटो यूज कर सकते, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको फिल कंपनीशन एरिया पे टैप कर देना। ओके, टैप करने बाद आपको यहाँ पे लास्ट तक थोड़ा सा आपको क्या करना, पहले साउंड वीडियो ले प्लस पे क्लिक किया, मीडिया पे टैप किया, आपको एक साउंड वीडियो ले लेना, ठीक है। जैसे कि मैं एक साउंड वीडियो ले ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास साउंड वीडियो है, जैसे मैंने ले लिया और साउंड वीडियो प्लेयर पे क्लिक किया और ऊपर साइड आपको 3 डॉट पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको एस्ट्रिक आइडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको टैप कर देना। उसी हिसाब से हम पहले इसको डिलीट कर देते जो हमारा मतलब वीडियो, उसको डिलीट कर दिया
एंड आपको क्या करना है, एंड तक इस लेयर को कर देना है मेरे को फोटो को साउंड के हिसाब से। इस पर क्लिक करते हैं, एंड तक इस पर टैप कर देते हैं। एंड ये देख सकते हो मेरे भाई, ये एंड तक हो चुकी। तो मेरे भाई इस पर हमें क्या करना है, इस पर थोड़ा सा हमें इफेक्ट ऐड करना। पहले तो आपको इस फोटो वाली लेयर पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे इफेक्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको ऐड इफेक्ट पे टैप करना। यहाँ पे आपको एक दो इफेक्ट ऐड करने जो कि मैं बता दे रहा हूँ। सर्च बार पे आपको क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको सर्च करना है HOT, ठीक है। HOT कलर आपको फर्स्ट में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हो। इस पर आपको टैप करना है, इस पर क्लिक करने बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको देख सकते हो जो भी आपको मतलब HOT कलर पे अच्छा कलर लगे वो आपको ऐड कर लेना। देखो जैसे कि ये मतलब देख सकते हो आप फोटो में कैसा, इसको थोड़ा सा आपको इस वाले ऑप्शन को आपको थोड़ा सा बस डाउन करना है इस साइड को ऐसे। अब मेरे भाई जो भी आपको पसंद हो वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, मैंने इसको इतना तक कर दिया। और यहाँ पे ट्रेंड का ऑप्शन देखने मिलेगा, इसका भी आपको फुल है तो इसको भी आपको मेरे को थोड़ा सा कर देना ताकि जो आपको पसंद हो मैं वो बोल रहा हूँ, मतलब आप भी एडजस्ट कर सकते हो जो भी। और मेरे भाई इसको देखो कुछ, इसको इतना कर लेते और बस इतना करने बाद मेरे भाई ये बैक चलते, बैक चलने बाद आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना फोटो वाली, फिर से आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। यहाँ पे हमारा एक इफेक्ट तो लग चुका है, आप फिर से ऐड इफेक्ट पे टैप करते, यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना फर्स्ट बार FRA, ये देख सकते हो FRA इतना हम सर्च करेंगे ये आ गया फर्स्ट वार्फ, ठीक है। इस पर क्लिक करना फर्स्ट वार्फ पे और यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब मेरे भाई इस पर आपको ध्यान से देखना है इस इफेक्ट को हमें कैसे एडजस्ट करना है। इफेक्ट को ओपन करते हैं, एंड ओपन करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे पोजीशन पे कुछ नहीं करना, पैरेलैक्स पे आपको क्लिक करना ये सेकंड वाले ऑप्शन पे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, इस पर भी आपको देखने मिलेगा XY, आपको क्या करना है एक्स वाले ऑप्शन पे रहना है, ठीक है। ये देख सकते हो और यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन देखने मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना और एंड तक जाना। एंड तक जाने के बाद मेरे भाई आपको एक्स वाले ऑप्शन वाले पे जीरो वाले पे क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3000 कर देना, ओके 3000 लिख देना। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना, आप नीचे आओ यहाँ पे, पहले मतलब आप फर्स्ट में आ जाते लेकर, अब मैग्नीट्यूड वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, इस पर आपको कम कर देना, इसको आपको 0.020 रखना, ठीक है, 0.020 रखना इसको, ओके। डबल जीरो होंगे और फिर 20 कर देना लास्ट में, 0.0, ठीक है, 0.020, ओके। इतना आपको ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूँ। और डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये देख सकते हो इसको, इस पे आपको क्या करना 90 करना, ठीक है, 0.90, और नीचे आओ, इसको इतना ही रहने देना और बाकी कुछ छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है, जो जितना है उतना रहने देना आप। यहाँ पे आपको सबसे नीचे आओ, स्क्रीन स्पेस, ठीक है, इसको आपको बस ऑन कर देना, इसको ऑन कर देना बस, और कुछ नहीं करना मेरे भाई। ये आपको कुछ और छेड़खानी नहीं करनी, जितना मैंने बताया उतना आपको कर लेना, ओके। करने बाद ये देख सकते हो हमारा इतने इस इफेक्ट तो बार करने लगा। अब मेरे भाई क्या करना, हमें अब इतने तो इफेक्ट हमें ऐड हो चुके, आपको इस पर प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करने बाद जो आपने पिक्सल लग अभी मतलब शायरी वगैरह जो लिखी है उसको आपको लाना, प्लस इस पर क्लिक किया और बॉर्डर एंड शैडो पे टैप करके आपको इस वाले ऑप्शन पे आना नीचे बॉक्स पे, इस पर आपको क्लिक करना मेरे भाई, इसको आपको ऑन कर देना, ठीक है, बस इतना हमें इस पर करना। और एंड मेरे शायरी को भी हम लास्ट तक कर देते, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते। अब मेरे भाई इस पर देखो, शायरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना जहाँ पर भी आप रखना चाहो, ओके। अब हम इस पर क्या करना है, एक इफेक्ट इस पर भी हम ऐड कर देते हैं, शायरी वाले पे भी, शायरी पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको ऐड इफेक्ट पे टैप करना STRI, ठीक है, स्ट्रेट वाला इफेक्ट आपको यूज कर लेना, ओके। ये देख लो मेरे भाई, ये इफेक्ट पे आपको क्लिक करना और एंड मेरे भाई स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पे टैप कर देना। देखो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, मैं जो भी बोलूँ आपको, इसको काउंट को आपको ध्यान से देखना है, 4 कर लेना, ठीक है, 0.04, और यहाँ पे आपको वाइट पे आपको इस पर भी कम कर लेना, इसको भी हमें कर लेना कम से कम 5, ठीक है, इसको हम 4 करते हैं और इसको इसको आपको मतलब 4 के आसपास रखना है, ठीक है, 4 रखना है, हाँ 4 बस इतना ही रखना है मेरे भाई। उसको काउंट को आपको 0.05, ठीक है, आपको हम नीचे आना, एंगल को आपको 50 कर देना, बस इतना ही, ज़्यादा मत करना। और एंड पेस्ट को आपको देखना ध्यान से, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे आपको एक प्लस का ऑप्शन देखने मिलेगा, उस पर क्लिक करना और इस पर आपको 3 कर देना, ओके 3 लिख देना, बाकी और कुछ नहीं लिखना आपको, 3, ओके। इसको आपको एक बार 3 लिखना और यहाँ पे आपको एंड में जाना, एंड पे जाने के बाद आपको एक की दे दो और इसको हमें 0 कर देना, ओके। आपको इतना ही करना, 0 करने बाद आपको यहाँ पे कलर का बॉक्स देखने मिलेगा नीचे, देख सकते हो, उस पर क्लिक करके वाइट कलर कर देना या तो कोई और कलर भी पसंद हो तो वो कर देना। और यहाँ पे स्मूथिंग को आपको 0.030 तक ले चलना, ओके, 0.030
0 ठीक है 30 पॉइंट इतना ही ले चलना इसको मेरे भाई, ध्यान से देख लें जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आपको करना। एंड ये देख सकते हो हमारा थोड़ा सा स्मूथिंग लग चुका। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऊपर से थोड़ा इस वाले ऑप्शन को आपको इस बेट वाले को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते 10 पॉइंट तक या 8 पॉइंट तक कर लेना ठीक है, 8 या 7 जितना भाई आपको पसंद हो उतना कर लेना। ओके मेरा इतना तो हो गया हमारा इस पे इफेक्ट, इतने तो दो तीन हमारे इफेक्ट जो कि हो चुके। अब मेरे भाई इस पे एक इफेक्ट की बारी है जो कि अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको क्या करना, पहले तो प्लस पे क्लिक करते, प्लस पे क्लिक करने मतलब आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे पहले निकलते, सॉरी अभी मैं ले इफेक्ट इस पे ऐड कर लेते, फोटो और एंड सायरी क्लियर पे सेलेक्ट करते। ओके अब फर्स्ट में आपको ऊपर साइड 3 बॉक्स देखने मिलेगा, आपको फर्स्ट वाले बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना, देख सकते हो फर्स्ट वाले पे। एंड इस पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद आपको ध्यान से देना ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप पे क्लिक करना और एंड मेरे भाई आपको इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एड इफेक्ट पे टैप करना और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ब्लर का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना और एंड मेरे भाई आपको डिस्कार्ड ब्लर का ऑप्शन देखने मिलेगा, उस पे टैप करके स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब मेरे भाई यहाँ पे देख लो कौन सा क्या करना, हमें इस पे क्लिक करना स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन पे और इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते कम से कम 30 पॉइंट ठीक है, 20 पॉइंट कर लेते ज़्यादा नहीं, और यहाँ पे थोड़ा एक पॉइंट पे जाते एक सेकंड पे या एक मिनट जो भी बोले एक सेकंड पे जाते, और यहाँ पे की देने के बाद आपको इसको जीरो कर देना और एंड आपको फर्स्ट में आ रहा एंगल वाले को आपको देख लेना मेरे भाई कितना करना आपको। मेरे हिसाब से आपको कम से कम इसको भी हमें करना 20 पॉइंट ठीक है, एंगल को भी आपको 20 पॉइंट कर लेना और यहाँ पे स्ट्रिंग को थोड़ा सा कम कर देते हैं ठीक है, इसको आपको 10 करना है फर्स्ट में ठीक है, और एंगल को थोड़ा सा इतना 25 पॉइंट कर देना। ओके मेरे भाई ये देख सकते हो हमारा इतना तो इफेक्ट ऐड हो चुका है इस पर, आप भी देख सकते हो। अब मेरे भाई क्या करना, अब हमारे एक मतलब लेयर की बारी है, प्लस पे क्लिक करो मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक मतलब जो कि मेरे टेलीग्राम पे एक वीडियो मिलेगी उसको आपको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद उसको आपको ले लेना ठीक है, जिसपे मतलब ब्लैक स्क्रीन वाली वीडियो है ठीक है, ध्यान से देखना वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी मेरे भाई। ओके आपको मेरे भाई उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको देख लेना आपको बस ब्लैक स्क्रीन वाली ब्लेयर पे क्लिक करके ब्लाइंडिंग एंड ऑप्शन पे टैप करना और यहाँ पे मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा लाइट एंड लाइट में क्लिक करके स्क्रीन कर देना। ओके मेरे भाई लास्ट का आपको क्या करना, लास्ट का पार्ट डिलीट कर देना, एंड मेरे भाई लास्ट का पार्ट डिलीट कर देते हैं मैं इस वीडियो का मतलब उसका जो भी लेयर लिया भी, एंड डिलीट करने के बाद आपको देख सकते हो मेरे भाई यहाँ तक हमारी वीडियो एकदम यार क्लियर तरीके से एडिटिंग हो चुकी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे भाई अब तो लाइक से सब्सक्राइब ठोक देना यार, सेव करने के लिए आपको उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना एंड एक्सपोर्ट पे टैप कर देना। ओके एक्सपोर्ट पे टैप कर देते हूँ, ये देख सकते हो वीडियो हमारी सेव होने लगी।